तो सदन के भीतर मामला गरमाया। विधायक नैना चौटाला ने सदन में माना कि नई पार्टी बनी है, इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में वोटिंग करवाने की बात कही। अगर इस मामले में वोटिंग हो जाती तो विपक्ष के नेता पर चौटाला का पद जा सकता है। भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में फैसला हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर को लेना। बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी, देखिए आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन के कार्यकाल में सुबह पहले तो जो हमारे वैधानिक कार्य हैं विधानसभा के, वो प्रश्नोत्तर के बाद हुए। प्रश्नोत्तर के अंदर विधायकों ने अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने इलाके के मुद्दों को लेकर के चर्चा की और उसके पश्चात जो राज्यपाल जी का अभिभाषण था, बजट भाषण था, उसके ऊपर चर्चा शुरू हुई। हमारे जो डॉक्टर पवन सैनी और ने बहुत अच्छे ढंग से जो सरकार की उपलब्धियां और जो सरकार द्वारा किए गए कार्य उनके बारे में और सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बहुत अच्छे विस्तार ढंग से प्रस्तुत किया और उसके बाद उनका समर्थन पानीपत से हमारे विधायक महिपाल ढांडा ने किया। मैं समझता हूं कि बजट सत्र के अंदर राज्यपाल जी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो विकास कार्य पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं, उस बात की सराहना पूरे का पूरी सरकार के जो विधायक हैं और इवन दबी जुबान में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी मानते हैं। आज इसके अलावा कुछ अनौपचारिक तरीके से भी वहाँ पर कुछ चर्चाएं शुरू हुई, जैसे कि एक मुद्दा आया कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जो जननायक जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि उसके अंदर विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पर जो विधायक हैं नैना चौटाला जी, उन्होंने कहा कि हमने अलग से पार्टी बना ली है, इसको लेकर के थोड़ी वहाँ पर बहस भी हुई और कांग्रेस के विधायकों ने वोटिंग की मांग भी की कि विपक्ष के नेता का फैसला होना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ विपक्ष के नेता को लेकर के भी काफ़ी गहमा गहमी हुई। और इसके अलावा जो हमारे हुड्डा जी हैं, उन्होंने कुछ एम्स को लेकर के क्लैरिफिकेशन चाही, जो मैं समझता हूँ बड़ी बखूबी से हमारे जो कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने बहुत अच्छे ढंग से उनको जो हमारा एम्स, जो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर दिया है, उसको लेकर के सभी ने कहा कि एक बहुत बड़ा काम जो है बहुत दिनों से पेंडिंग था वो काम हमारी सरकार ने पूरा किया है। गुप्ता जी, आपने अभी कहा कि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठे थे इनेलो पार्टी के सदस्यों को लेकर, तो कांग्रेस ने क्या मांग की थी अंदर? विधायकों ने कहा था कि इस बात का फैसला होना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जननायक जनता जो दल है उसके अंदर आपस में विभाजन हो चुका है, उसके अंदर विपक्ष के नेता के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसके बारे में निर्णय लूंगा और अगर मेरे पास कोई कहीं से पत्र आएगा तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। गुप्ता जी, कांग्रेस विधायक ने ये भी मांग की थी कि वोटिंग करवाई जाए, तो फिर भाजपा पीछे क्यों हट गई, क्या कारण था? जब तक सिर्फ केवल बोलने से के भी वोटिंग कराई जाए उसके ऊपर, जब भी हमारे स्पीकर साहब ने कहा है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी कांग्रेस की तरफ से आएगी या कहीं और से आएगी, रिटर्न में रिक्वेस्ट होगी, तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। गुप्ता जी, आपके स्वास्थ्य मंत्री अनिल वीर ने कहा है जब विधायक ने सदन में मान लिया है कि अलग पार्टी बनाई है तो इस पर फैसला क्यों लिया जाता? नहीं, ये तो बात सही है कि नैना चौटाला जी ने वहाँ पर ये माना कि हमने अलग पार्टी बना ली है और हमने अलग पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर निर्णय स्पीकर साहब ने लेना है और जो हमारा इसका विधानसभा का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो भी निर्णय होगा वो स्पीकर साहब लेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हुई है
और विधानसभा में विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है। वहीं इन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी के सदस्यों को लेकर भी आज सदन में मामला उठा था, लेकिन इस पर फैसला हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने लेना है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।